हेलो फ्रेंड्स, होममेड डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी के भरवां पराठे। इसके लिए हम लेंगे 2 कप फूल गोभी, 1.5 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी धनिया पत्ता, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 कप आटा, ज़रूरत के हिसाब से पानी और पराठे सेकने के लिए तेल या घी। सबसे पहले गोभी के टुकड़ों को एक चॉपर में डालें, उसे बारीक चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो कद्दूकस से घिस लें। गोभी का एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर उसे एक बोल में डालें। उसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया डालें। फिर लाल मिर्च पाउडर और हींग डालकर मिला लें। ध्यान रखें नमक इस मिक्सचर में ना मिलाएं, नहीं तो गोभी पानी छोड़ देगी और परांठे बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक बोल में आटा और पानी लेकर उसे परांठे के लिए गूंध लें। अब गूंधा हुआ आटा और गोभी मिक्सचर दोनों ले लें। आटे को 4 भागों में बांटकर 1 भाग की लोई बना लें। इस लोई को सूखे आटे से कवर करें। इसकी एक मोटी रोटी बेल लें। साइड बाय साइड तवा गरम होने के लिए रख दें। एक बोल में 1/4 फिलिंग लें और उसमें नमक मिला लें। रोटी को हाथ में पकड़कर उसमें फटाफट ये फिलिंग भर दें। फिलिंग को नीचे दबाते हुए सभी कोनों को मिलाकर सील कर लें। लोई को पलोथन से कवर करके फटाफट इसका पराठा बेल लें, नहीं तो पानी छूट जाएगा और पराठा बेलना मुश्किल हो जाएगा। पराठे को गरम तवे पर डालें और अच्छे से तेल या घी लगा लें। इसे पलटकर दूसरी तरफ भी अच्छे से तेल या घी लगा लें। कड़छी से दबाते हुए अच्छे से सभी तरफ से सेक लें। इससे हमारा पराठा बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। दोनों तरफ से जब पराठा अच्छे से सुनहरा हो जाए तब उसे निकाल लें। इस तरह से आपका गर्मा गर्म ऑथेंटिक पंजाबी गोभी का पराठा बनकर तैयार है। इसे दही, चटनी या मक्खन के साथ सर्व करें और इसका भरपूर स्वाद लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वैभव और दीपाली महेश्वरी अगली रेसिपी के साथ आपको जल्द ही मिलेंगे।